राजा चीफ लालू प्रसाद और उनकी फैमिली की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं। पटना में आयकर विभाग का एक्शन हुआ है। आयकर विभाग के इस एक्शन में बिहार में एक बार फिर से सियासत गरमा दी है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद और उनके परिवार वालों के नाम से राजधानी पटना में एक और संपत्ति को आयकर विभाग ने जब्त किया है। आयकर विभाग का कहना है कि ये लालू प्रसाद और उनके परिवार की बेनामी संपत्ति है। मिल रही जानकारी के मुताबिक पटना के शेखपुरा इलाके में लालू परिवार की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। इस पुराने बंगले में 2002 तक टाटा स्टील का दफ्तर होता था। बाद में इस संपत्ति को झारखंड राज्य के निर्माण के बाद किसी कंपनी से टाटा ने बेच दिया। इसके बाद इस घर का स्वामित्व कोलकाता स्थित फेयर ग्रो होल्डिंग के पास आया, जिसके निदेशकों में तेजप्रताप यादव, तेजस्वी यादव, चंदा यादव और रागनी यादव का नाम शामिल है। हालांकि इन लोगों ने 2017 में कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। आयकर विभाग का कहना है कि बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद भी कंपनी का कोई फिलहाल आधिकारिक अधिकारी सामने नहीं आया। यही वजह है कि करीब 4 करोड़ के इस बंगले को इस आधार पर जब्त करने का आदेश दिया गया। पटना से लाइव सिटीज की रिपोर्ट।